सूर्यवंशी हो ना तुम, इसीलिए मुकरते नहीं। यही बात मुझे पूरे गांव वालों के सामने साबित करनी थी। मामा जी, वो पिताजी की बात छोड़िए, आपको जब ठीक लगे तभी कीजिएगा। वो क्या बकवास कर रहा है, ऐसे ही बिना शादी के एक साथ कब तक घूमते रहोगे? घूमना ही है तो शादी करके घूमो। एक बार जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम भी निश्चिंत होकर राम कृष्ण के भजन गाते रहेंगे। राम कृष्ण धर्मेंद्र जितेंद्र कोई भी नाम लेकर के रहिए, लेकिन मेरी जिंदगी में मत आइए। क्या कहा तूने? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। सुन रहे हैं पाटिल साहब, पहली बात मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या तू कह रहा है? देखिए मामा जी, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बता दूँ, सच्चाई यह है कि अनीता और मैंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में कभी नहीं देखा। चाहे तो आप पूछ सकते हैं। अनीता, कंग्रेट्स राजेश, आखिर तुमने बोल ही दिया। थैंक्स राजेश, तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है बताओ ना, क्या कमी है मुझ में बताओ। क्या हुआ इसे? बोलो ना राजेश, क्यों पसंद नहीं हूँ मैं तुम्हें? चुप रह, निकल यहाँ से। अगर लड़के को शादी पसंद नहीं है तो हम आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अरे पाटिल साहब, ये क्या कर रहे हैं? बैठिए ना, बात करते हैं बैठकर। बैठिए सर, आप लोग बैठिए ना, मेरी बात सुनिए। दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए प्लीज, आप बैठिए। मान जाइए डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मान जाइए। इतनी अच्छी लड़की को मना कर दोगे तो आगे चल के कोई लड़की नहीं मिलेगी आपको, ढूंढते रहिए पूरी दुनिया। स्वामी जी, अनीता में क्या कमी है बताइए। अनीता तो 24 कैरेट सोना है जी, उसे इस तरह कैसे मना कर सकते हो? मेहरबानी करके उन्हें राजी होने को कहिए, उनको समझाइए, वो दोनों साथ में कितने अच्छे रहेंगे। आप सब बड़े लोग हैं, उन्हें समझाते क्यों नहीं है? समझाइए ना आप उन्हें, बहुत अच्छा होगा। राजेश, ये कैसा ट्विस्ट है बताओ? ये बेवकूफ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। असमत अनीता, तू भी मना कर दे इस शादी से प्लीज। आप ही बताइए, बचपन से जो घर वालों ने रिश्ता तय किया है तो कुछ इज्जत देनी चाहिए या नहीं? इससे अच्छा रिश्ता मिल सकता है? बोलिए सर, सुन तो। अरे बताइए ना, आप ही बताइए। आप रुकिए, आप आइए सर, आइए आइए। अगर आप इस शादी के लिए हाँ कर देते हो ना तो मैं सच बताता हूँ, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे इस रिश्ते का एहसास कराने के लिए। साले साहब, देखिए ना मेरा बेटा शादी के लिए राजी हो गया, क्या खुशी की बात है। अरे सुनिए, अरे लड़कियों, अरे लक्ष्मी, ले जाके मेरी बहू को अच्छे से रेडी कराओ, जाओ। भाई क्या काम किया तुमने है? अब किसे ढूंढ रहे हो परेशान करने के लिए? ताओ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साले साहब, इधर आइए। नहीं नहीं, आइए। आओ नायडू जी, आ जाओ साले साहब, आओ आओ आओ। बहुत ही अच्छे इंसान को ढूंढा है तुमने। तुम्हें एक बात पता है क्या, अभी के अभी इसने हमको भड़काया और ये जो दो परिवारों का संबंध हो रहा है इसके कहने पर हो रहा है। हाँ। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो साले साहब? इसने मुझसे कहा कि अगर तुम शादी के लिए जिद नहीं करोगे तो ये शादी कभी हो ही नहीं पाएगी, यही आइडिया दिया इसने मुझे। देखिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो ना कैसा शर्मा रहा है। साले साहब, मैं एक बात सच बोलता हूँ तुमसे, इस तरह का एक भी इंसान मिल जाए तो ये सब के सब बेकार हो जाएंगे। नायडू, मैं इस कार्य में एक छोटा सा बदलाव करने जा रहा हूँ। बदलाव करने? क्या है वो? जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसका खून कर देना चाहता हूँ, और ऐसे दिन जिस दिन की मेरे भाई का श्राद्ध है उस दिन कोई भी शुभ कार्य करना इस घर में ठीक नहीं होगा। तो अब क्या करना है? वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में चलते हैं और वहीं करते हैं। आहा, क्या बात कही है, यही तो मैं भी सोच रहा था। देवस्थान से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ए राजेश, ए बगी बुआ, लक्ष्मी, पाटिल साहब, मंगनी यहाँ पर नहीं होगी, मंदिर में होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, रिश्तेदार, नातेदार जो भी है यहाँ पर, सब निकलो यहाँ से। हाँ,
तुम लोग ऐसी लटकी हुई शक्ल बनाकर क्यों खड़े हो यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से, चलो। सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब तुम्हें भी तो यहाँ से बाहर निकलना है। रामू अंकल को बुटीक में आने के लिए कह देना। ठीक है आंटी। सुन, अकेले आने को कहना। हाँ आंटी। चलो तुलसी पूजा करने चलते हैं। अनीता, तुम तुलसी पूजा बहुत मन से करना, समझ गई ना? तब जाकर मेरे बेटे का बहुत भला होगा। आ जाओ जल्दी जल्दी, इधर आ जाओ। आज तो अनीता बहुत खुश लग रही है। चलो बेटा, अब हाथ जोड़ो और अच्छे से प्रार्थना करो। तुम किसी को गाना नहीं आता क्या? नमस्कार करो बेटा। पूजा तो अच्छे से हो गई। रामू जी, सर यहाँ आएंगे प्लीज। क्या बात है अनीता जी? ये लेटर आप राजेश को दे देंगे प्लीज? क्या रे, अचानक से प्रेम पत्र कैसे शुरू हो गया? याद आ रही है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दे दूंगा। अरे चलो, वो दे देगा ना। अरे वो हुआ, मैं आता हूँ। चलो बेटा, वो लेकर दे देगा। और आगे ले जाओ। ये तो बाहर गिरा है, कैसे लेकर आऊं? कैसे जाऊं? वो जैसे ही बाहर आए, आते ही काट डालना उसको। सही है ना ऐसे? अरे हीरो, आप किसे ढूंढ रहे हो? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो सीधा यहाँ से जाके दाहिने मुड़ जाओ, फिर बाएं घूम जाना, वही आखिरी कमरे में मिलेगा। अगर आप सीधे कहते कि वो उनके रूम है तो मैं जाके दे देता। क्या है? सही, आपके लिए नहीं अनीता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा कागज है, एनओसी लिखवाने जा रहे हो क्या? फ्री होकर बैठा है, जाओ चले जाओ। पूरा कागज क्यों देने को कहा? अरे अनीता जी, आप भी ना मुझे डरा ही देती हैं। कमाल है, इम्पोर्टेंट है, बताकर ये कोरा कागज क्यों थमा दिया मुझे आपने? क्यों, लव लेटर एक्सपेक्ट किया था क्या? बाहर से आप भले ही कितने भी हंस रहे हैं, पर अंदर से दुखी हैं, ये बात मैंने महसूस कर ली है। अच्छा, आपने महसूस कर लिया क्या? अच्छा हुआ। ये बात आपको मुझे ट्रेन में ही बता देनी चाहिए थी ना? मुझे खुद ही ये बात घर में आने के बाद पता चली। अगर पापा को पता चल गया तो? उनको तो ऑलरेडी पता चल चुका है। जान से मार देंगे वो। यही तो मेरा टेंशन अब। वही सोचकर तो मैं कांप रहा हूँ अनीता जी। आप एक काम कीजिए, मैं कैसे भी करके पापा को कन्विंस कर लूंगी, पर आप उस मस्जिद के पास पहुँच जाइएगा। ओके। सुनिए, इतने लोगों से छुप कर भला कैसे आऊंगा मैं? वो वहाँ फूलों की टोकरी है ना? कौन सी? वहाँ उस तरफ। उसमें शुक्र आ जाएगा। ओके? शुक्र? लेकिन मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे उसके अंदर बैठकर जाना ही होगा। यहाँ कोई है क्या? कोई भी नहीं है। जाता हूँ। इसे लेकर जाओ वहाँ। ए, इधर आओ। ये केले बाहर लेकर जाओ, ठीक से ले जाना। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं?
कुछ नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ भला किस लिए? अच्छा ये हमारे घर में चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, इतना कुछ भगवान के लिए जाता ही है, समझ गए ना? अरे उधर देर हो रही है, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। चला जा, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्यों? अरे बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, चल ऊपर। नहीं नहीं सुनिए तो। क्या हुआ? अटक गया, निकल नहीं रहा है। एक मिनट, चल चल अंदर। हमारे पापा के सेंटीमेंट का फायदा उठा रहा है। अच्छा बेवकूफ बनाया तूने हमें। ओए, इस गांव में हमारे पापा की बहुत इज्जत है, इस वजह से तू अभी तक बचा हुआ है। लेकिन आज इस कमरे से बाहर तेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। ओए, आज तुझे यहाँ मार के तेरी लाश को बाहर फेंक दूंगा। तुझे बाहर मारा ऐसा पिताजी से बोल दूंगा, पिताजी के संस्कार भी बच जाएंगे। तुझे मार कर तेरा पिंड बनाकर मेरे चाचा जी का बदला पूरा करूंगा। कितने सालों के बाद मिला है। क्या इधर उधर देख रहा है तू? यहाँ बैठकर बाहर निकलने की सोच रहा है? हो ही नहीं सकता, आज ये तेरा आखिरी दिन है। अभी तक यहीं पे है। जी वो आपके ससुर जी ने मुझसे ये सब मंगवाया है। ठीक है, ये लेकर आ जाइए, समझ गए ना? भाई, वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? वो अंदर फूल की टोकरी में छुपा हुआ है। तो सूरी भाई को बुला के लाता हूँ। रोक बिल्ला, पिताजी नहीं चाचा जी का बदला मैं पूरा करूंगा। उसको घर के बाहर नहीं, गांव के बीचों बीच सब रिश्तेदारों के सामने मारूंगा उसको। हाँ।